नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शक्ति पोर्टेबल कटअप सॉ की इन्फॉर्मेशन। इस मशीन की सारी डिटेल्स जानने के लिए कंटिन्यू रहिए हमारे टूल्स तोड़कर यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ, पावर टूल्स की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, शक्ति पोर्टेबल कटअप सॉ इस मशीन की स्पेशल खासियत है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। यह है वारंटी कार्ड और मैनुअल। इसमें हमें मशीन को यूज करने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंपनी ने कस्टमर की सेफ्टी के लिए ये मास्क भी दिया है। यह है एलन की। यह है कार्बन ब्रश की जोड़ी। बॉक्स में मशीन सेफ रहने के लिए इसे अच्छी तरह से पैक भी किया है। इसे पोर्टेबल चॉप सॉ भी बोलते हैं। अब देखते हैं मेन मशीन। वेरी नाइस दोस्तों, इस मशीन का मॉडल नंबर है SCS 180। ये 180 mm साइज का पोर्टेबल कट ऑफ सॉ है। अब लेते हैं थोड़ी और जानकारी। 180 mm यानी 7 इंच तक के ब्लेड की डायमीटर रहती है। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। 1200 वैट की मोटर पावर है। RPM 8000 है। सिर्फ 8 किलोग्राम इसका वजन होने के कारण ये लाइट वेट भी है। 220 वोल्टेज है। अब देखते हैं मशीन को। ये यहाँ पे ऐसे लॉक रहता है। इसे ओपन करते ही मशीन ऊपर आ जाता है और मशीन को नीचे लेकर इस लॉक को प्रेस करते ही मशीन यहाँ पर फिक्स रहता है। मशीन के कट ऑफ व्हील यानी ब्लेड को ये सेफ्टी गार्ड रहता है। काम करते वक्त जैसे ही हम मशीन को नीचे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी गार्ड ऊपर आ जाता है और कट ऑफ व्हील टारगेट पर चल जाता है। मशीन को ऊपर उठाते ही फिर से सेफ्टी गार्ड कट ऑफ व्हील को कवर करता है। इसे वर्कर और मशीन की सेफ्टी रहती है। कटिंग भी प्रॉपरली होती है। जब भी हम कोई भी कटिंग का काम करते हैं तो जॉब को यहाँ पर फिट करना पड़ता है, इसलिए सिस्टम यहाँ पर रहती है। हम इसे एडजस्ट करके जॉब को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इससे हम अलग अलग साइज और डिग्री में कटिंग कर सकते हैं। इस क्लिप को एलन की सहायता से लूज करते हैं। इससे इस क्लिप को हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिप के पीछे ये लॉक रहता है। इससे हम क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी एक लॉक रहता है। इसकी वजह से कटिंग करते समय अपना जॉब फिट रहता है। इस थ्रेड की वजह से ये लॉक फिट रहता है। इस लॉक को उठाते ही ये थ्रेड वाली पाइप आसानी से आगे और पीछे आती है। कार्बन ब्रश चेंज करते समय कंपनी के ये ओरिजिनल एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश बेनिफिटेबल रहते हैं। ये 7 इंच कट ऑफ व्हील है जिससे हम कटिंग करते हैं। अब देखते हैं ब्लेड को चेंज करने की प्रोसेस। एलन की सहायता से ये नट लूज कीजिए, फिर इस कवर को बाजू में कीजिए। अब इस लॉक को प्रेस करके एलन की सहायता से ब्लेड को निकालते हैं। देखो, ये नट निकलते ही ये वॉशर क्लिप भी निकलती है। अब सेफ्टी कवर को ऊपर करके इस ब्लेड को ऐसे बाहर निकाले। हमें मशीन के साथ ये 7 इंच वाला ब्लेड मिलता है। चलो अब फिर से मशीन पर ब्लेड को असेंबल करते हैं। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम इजी प्रोसेस है ये। वुड, स्टील, एंगल, पाइप, ऐसी चीजें कटिंग के लिए ये मशीन एकदम बेस्ट है। 7 इंच और इसके अंदर के सभी जॉब्स को कट करने के लिए ये मशीन बेहतरीन है, इसलिए छोटे छोटे कटिंग के वर्क के लिए ये मशीन एकदम यूजफुल है। ये मशीन ज़्यादा हेवी ना होने के कारण इसे हम कहीं पर भी ले जाकर अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन की स्पेशल खासियत है जो मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आपके पास इससे बड़ा कोई भी पुराना ब्लेड है जो 7 इंच तक घिस गया हो तो उसे भी आप इस मशीन पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये छोटा सा वाइसर भी मिलता है जिससे ब्लेड मशीन पर आसानी से फिट बैठती है।
इस वजह से हमारा वेस्ट होने वाला ब्लेड भी यूज होता है और हमारी बचत भी होती है। KPT यानी कुलकर्णी पावर टूल्स कंपनी, ये पावर टूल्स की दुनिया में एक जानी मानी और ब्रांडेड कंपनी है। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके लिए फायदेमंद और इन्फॉर्मेशन देने वाले वीडियोस के साथ। प्लीज स्टे कनेक्ट टूल्स तोड़कर चैनल। बाय बाय।